हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखाराम विशोई ने किया राजकीय अस्पताल का निरीक्षण। केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान विधेयक के खिलाफ दिया धरना। बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा जिले के प्रभारी मंत्रियों के जिलों में परिवर्तन के बाद बाड़मेर के प्रभारी मंत्री बनाए गए सुखाराम विशोई शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। अपने पूर्व निर्धारित पहले कार्यक्रम धरने में भाग लेने की जगह विशोई सीधे जिले के सबसे बड़े अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखाराम विशोई के अचानक अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल के कई वार्डों का विशोई ने निरीक्षण किया। विशोई ने राजकीय अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया को अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। उनके साथ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी रहे। इसके उपरांत जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के सामने केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विधेयक बिलों के विरोध में धरना किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान बिल के विरोध में आज पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहा है और ये बिल किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि धरने के अलावा पूरे देश भर में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति के समक्ष पेश करेंगे और मांग करेंगे कि इस बिल में संशोधन किया जाए। बता दें कि प्रभारी मंत्री द्वारा आज शाम 4 बजे राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान का आगाज भी किया जाएगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सुखराम विशोई प्रभारी मंत्री बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। सर, आने के बाद पहली बार आते हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, तो क्या अव्यवस्थाएं दिखी, किस प्रकार के निर्देश दिए गए? कोई व्यवस्था नहीं मिली, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से डॉक्टर्स मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मरीजों को पूछा, उनके साथ में जो उनके गार्जियन है उनको भी पूछा, दवाई अंदर से दी जा रही है, बिल्कुल उनकी व्यवस्थित सेवा हो रही है। सर, ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही, बार बार मरीज शिकायत कर रहे हैं ऑक्सीजन। हमने कोविड के जो 2-3 वार्ड से भी कनेक्शन किया और कहीं कोई ऑक्सीजन कमी नहीं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।